ठीक है, मैं कुणाल से बात कर लेता हूँ। कुणाल कहाँ है? कुणाल से बात करने की क्या जरूरत है जमाई बाबू? उसने साफ साफ ये बात कही है कि जो हमारा फैसला है ना, वो भी वही करेगा। कह तो दिया होगा अपनी खुशियां कुर्बान करके। आपके कहने से वो किसी भी लड़की से शादी कर ले और अपनी जिंदगी बोझ की तरह जिए। डैडी जी, मैंने जो तड़प अपनी बहन की आंखों में देखी, अगर वही तड़प आप अपने बेटे की आंखों में देखेंगे तो अपना फैसला जरूर बदल लेंगे। इससे ज्यादा मैं आपसे और क्या कहूं। नमस्ते। मम्मा चलो लूडो खेलते हैं। मुझे पेपर्स चेक करने हैं। आपको पेन की पड़ी है? मैं तो कोई फिकर ही नहीं करता। हाल के साथ वो लड़की कौन थी? शब्द तुझे क्या पड़ी है? के साथ भी घूमे, जो भी करे, तुझे क्या? शायद कहीं और ही था। कौन सी ड्रेस पहनूं पार्टी में? हाय, तो वो तुझसे मिला ही क्यों? कुछ बोला उसने? आई लाइक दिस वन। बोलना, क्या कहा उसने? कुछ कहा ही कहा, शायद ही इज इन लव। प्यार करते दोनों एक दूसरे से, शादी करवा दो दोनों की। हद कर दी जमाई बाबू ने, पता नहीं उन्हें हो क्या गया है। अच्छा हुआ कुणाल घर पे नहीं था। और जमाई बाबू, वो भूल गए क्या कैसे उनकी बहन घर से भागकर मंदिर गई थी शादी करने, और फिर वहां से भी भाग गई अपने घर मेरे कुणाल को वहां अकेला छोड़कर। जता दिया ना उसने कि वो कितना प्यार करती है कुणाल से। क्यों? अगर कुणाल को मैं दो ऑप्शन देता तो तेरे हिसाब से कुणाल क्या करता बता? वही करता ना जो श्रद्धा ने किया। इसलिए श्रद्धा ने उस वक्त जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। और फिर तू भूल गई कैसे किट्टू की खुशी की खातिर कुणाल ने श्रद्धा से अलग होने की बात कर दी। और कामिनी, इन बच्चों को इतना गैर जिम्मेदार मत समझ। देखिए जी, बहुत अच्छा हुआ कि बच्चे मान गए। अब जमाई बाबू को क्या हो गया? वो तो अच्छा है कि कुणाल घर पे नहीं है। अब आप जल्दी से ना पायल के साथ उसकी शादी करा दो। हाँ, कह दो उन लोगों को कि हम इस रिश्ते में ना देरी नहीं करना चाहते। फोन करो जी। और इतनी जल्दी क्या है, कम से कम कुणाल को तो आने दे। अच्छा, तो कहीं आप भी जमाई बाबू की बातों में तो नहीं आते? देखिए जी, एक बात बता देती हूँ, जो जमाई बाबू चाहते हैं ना वो मैं कभी नहीं होने दूंगी। हाँ तुम तो सोच कि अनन्या अपने इरादा क्यों बदला? कोई तो क्या हुआ? अब कौन सा इरादा अनन्या का?
आज फिर से कुछ हुआ? नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ है। वो तो बस वो किट्टू, हाँ हम ना किट्टू की बातें कर रहे थे। अब किट्टू और जमाई बाबू साथ रहने लगे ना, है ना जी? हाँ बेटा। नेवर माइंड, तू ये बता ना, तुझे लड़की कैसी लगी? पायल अच्छी है ना? बेटा मैं और तेरे पापा ना बहुत ही खुश हैं। अच्छा? हाँ। कुणाल, कुणाल मेरी बात तो सुनना बेटा। बाद में बात करते हैं माँ, अभी थक गया। अरे चल, नेवर माइंड। देखो ना जी, इसने फिर से मुझे कोई बात ही नहीं बताई। पर कोई नहीं, ना भी नहीं किया। आप एक काम करो ना जी, जल्दी से पायल के घर वालों से बात कर लो, उनसे कहना हम जल्द से जल्द रोका करवाना चाहते हैं। मैं ना सारी तैयारियां कर लूंगी जी रोके की। अभी अभी लिस्ट बना लेती हूँ, क्या क्या तैयारियां करनी है, क्या शॉपिंग करनी है ना, बस लिख लेती हूँ सब कुछ। क्या ढूंढ रहा है पुत्र? पेन? तेरी माँ के पास लिख रही है? I'm sorry, आप प्लीज दूसरी पेन लीजिए ना। अरे इस पेन में इतना खास क्या है? लड़का भी ना पागल ही है। उत्तर बैठ मेरे पास, अपने पापा से बात नहीं करेगा? अभी आया डैड। क्या हुआ, तेरा पेन नहीं चल रहा? ये ले। नहीं वो आज के लिए काम हो गया। तेरा भाई भी कितना बेवकूफ है ना। जब सोचना था तब तो सोचा ही नहीं, उल्टा सबसे नाराज हो गया। और आज जब सब कुछ उसके हिसाब से हो रहा है, तब उसे होश आया। तू और कुणाल आज भी एक दूसरे से प्यार करते हो ना, मुझे पता चला है कि कुणाल ने किसी और लड़की के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी है। तेरे आंसू तो कुछ और कह रहे हैं। भाई मुझे इस बारे में ना कुछ बोलना है और ना कुछ सोचना है। मेरी और कुणाल की शादी कभी नहीं हो सकती क्योंकि हम ही नहीं चाहते, और ये बात खत्म हो चुकी है। बार बार इस बात को क्यों दोहरा रहे? अगर कुणाल शादी करना चाहते तो अच्छी बात है, आगे बढ़ने की सोच रहे। क्या वो खुश है? ये क्या सवाल है भाई? सब कुछ बुलाने के बजाय फिर से आगे बढ़ना चाहती,
ध्रुव के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैं उसी में खुश हूँ। पीछे पलट कर नहीं देखना चाहती। वो खुश नहीं। मैं खुश हूँ भाई। मैं तब खुश नहीं थी जब हम दोनों शादी करना चाहते थे और सब उसके खिलाफ थे। तब खुश नहीं थी जब किन्नू को घर से बाहर निकाल दिया गया। मैं तब खुश नहीं थी जब मम्मा और पापा ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। किन्नू के साथ जो भी हुआ उसके लिए हम जिम्मेदार थे और हम अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे थे। सब कुछ ठीक हो गया है भाई। मैं खुश हूं। लेकिन मैं खुश नहीं हूं। प्लीज भाई मुझे आगे बढ़ने दीजिए। ध्रुव के लिए प्लीज। मैं ठीक हूँ। प्लीज अपने भाई को समझाओ। अगर कुछ भी हो सकता है तो प्लीज एक बार कोशिश करके देखो। क्यों नहीं, सब होगा। वैसे किट्टू अच्छा हुआ जो मैं आज वहां चला गया और पता चला कि कुणाल को जबरदस्ती मनाया जा रहा शादी के लिए। सिर्फ कुणाल और श्रद्धा की नहीं, बात ध्रुव की उम्मीदों की भी। जानते हो ना कितना प्यार करता है वो कुणाल से। कुणाल भैया भी ध्रुव से। ये भी तो सोचो कि जिससे कुणाल शादी करेगा क्या उसके साथ इंसाफ होगा। आनंद अगर एक बार मेरी मम्मी वहां पर राजी हो जाए तो हम पापा जी के सामने फिर से ये बात उठा सकते हैं। और एक ही इंसान है वहां पर जो मेरी मम्मी को मना सकता है। कौन? मेरे पापा। ये मेहमानों की लिस्ट तो पूरी हो गई है, कोई छूटा तो नहीं ना? समझ में नहीं आ रहा मुझे तो आप क्या सोच रहे हो जी, इतना काम पड़ा है रोके का। पता है शगुन के लिए ना सारा सामान भी लाना है। अब आप फटाफट मेरी मदद कर दो। ले लो, चाय भी नहीं पी अभी तक। रामबीर जी। मैम साहब चाय लेकर आ, ये चाय ठंडी हो गई है, जल्दी कर। अब समझ में नहीं आ रहा, ये वाला काम तो हो गया पर मिठाइयां क्या बनवाना है। ठीक है लड्डू करवा देती हूँ। हाँ हेलो पुत्र। पापा आपने कुणाल भैया के लिए लड़की पसंद कर ली और आपने मुझे बताया तक नहीं। हाँ पुत्र वो बस सब कुछ अचानक से हो गया आज ही। लेकिन पापा ये जो कुछ भी हो रहा है क्या वो सही हो रहा है? हाँ पुत्र भाई लड़की अच्छी है, अच्छे खानदान से है और सबसे अच्छी बात यह कि तेरे भाई को लड़की पसंद है। और क्या चाहिए हमें है? प्यार प्यार पापा। क्या कुणाल भैया कभी भी उस लड़की से उतना प्यार कर पाएंगे जितना कि वो श्रद्धा दीदी से करते हैं? पर क्या हो गया तुम सब लोगों को, कहना क्या चाहती है तुम? वही जो आप अच्छी तरह से जानते हैं पापा, ये भी जानते कि कुणाल भैया आपसे कभी नहीं कहेंगे। लेकिन आपको क्या हो गया है पापा, आप क्यों नहीं समझ पा रहे? क्यों आप अपने आप को इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं?
तो जा ना जल्दी जा, बाकी काम मैं संभाल लूंगी। जा सुनिए जी, अब देखिए आपको जाके शगुन का सामान लाना है ना, आप ही जल्दी करो ना। मैंने तुझसे कहा कि बैठ मेरे पास, बात कर मुझसे, लेकिन फिर भी तू अंदर आ गया। अब क्या बात करनी है डैड? इस रिश्ते के बारे में पुत्र, तूने ठीक से लड़की देखी भी नहीं और शादी के लिए हाँ कर दी। आपको पसंद है ना डैड? बस। और अगर मैं ये कहूं कि ये रिश्ता मुझे पसंद नहीं है फिर? हमको तो पसंद है। मैंने तेरी शादी करानी है, समझौता नहीं। लड़की के साथ जिंदगी तूने बितानी है। आप लोगों को जो ठीक लगता है आप कीजिए, ओके? कुणाल, तो ठीक है, चल मेरे साथ। अब हम कहां जा रहे हैं डैड? क्यों, अभी तो कहा था ना कोई सवाल नहीं कोई जवाब नहीं, तो अब क्यों पूछ रहा है? साथ। अरे यार, 7-8 हजार कितना होता है? 56। इस बार ना हिसाब सही निकलना चाहिए। अरे ये अकाउंट्स तेरे बस की बात नहीं है, वो काम कर जिसमें तेरा इंटरेस्ट हो। पापा जी, आप हमेशा अपने बेटे को डिस्करेज क्यों करते रहते हैं? बेटा मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, उसको सलाह दे रहा हूँ। ठीक है ना जोर, कर लेगा आशीष, नया नया जॉब है, जॉब करते करते सब कुछ सीख लेगा, है ना? पापा जी, मामा जी भी तो है ना वहां पे, सब कुछ सिखा देंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। क्या है ना जया, तुम्हारे पापा जी परेशान हैं इस बात को लेकर कि अगर आशीष नहीं रहेगा साथ में तो ये काम अकेले संभालेंगे कैसे, है ना? मुझे तो पहले ही पता है, इस घर में ना लायक लोगों की कदर ही नहीं। आशीष सुनो, मुझे ना खन्ना आंटी से काम है, मैं थोड़ी देर में आऊंगी। 2 दिन में ये मामा की कंपनी छोड़ के नहीं आया ना, तो देखना। मम्मी, मुझे पैसे दो ना, मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना है। कब तक पैसे मांगेगा भाई तू? कुछ खुद भी कमाएगा कि नहीं, या बारात में बैंड बजाएगा? कल से ऑफिस आना शुरू कर दे। जोर, उसकी म्यूजिक प्रैक्टिस है, दे दो, चलो। अरे खाक प्रैक्टिस है, कहाँ जाता है, रात दिन गायब रहता है, कैसे दोस्त है? एक दिन मैं आके देखूंगा। लो बाबा, आपकी आर्मी में होते होंगे इंस्पेक्शन, अगर हमारे यहाँ आना है तो आपको बैठ के आराम से गाना सुनना पड़ेगा। चलिए दे दीजिए। दीजिए ले बेटा। थैंक यू पापा। ध्रुव, बच्चे इतना गुमसुम क्यों खड़ा है? अच्छा बर्फी खाओगे? No. पापा, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। ध्रुव बेटा, यहां बड़ों की बात चल रही है, अब बाहर जाके करो। जाओ। ये ध्रुव इतना गुमसुम क्यों रहता है? वही पापा, आपसे उसी बारे में बात करनी थी। क्या हुआ? मैं आपसे श्रद्धा और कुणाल के बारे में बात करना चाहता हूं। और क्या उनके बारे में बात करना रह गया है? क्या किया है? कहीं फिर कामनी जी ने तो तमाशा नहीं खड़ा कर दिया? ऐसी कोई बात नहीं है, किसी ने कुछ भी नहीं कहा है। वो एक्चुअली आनंद आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अब डिस्कस करने के लिए है ही क्या? वही जो हम देख कर भी नहीं देख रहे। श्रद्धा और कुणाल आज भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और हमें उन दोनों को अलग करने के बजाय
ऐसी खूबसूरत बंधन में बांध देना चाहिए पापा, जिसमें आप दोनों बंधे, हम दोनों बंधे। हमें उन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।